हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस ही नहीं बल्कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और वो है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी इन जनरल सरस्वती जी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। सरस्वती जी का जन्मदिन माना जाता है और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये तो इसका पौराणिक और वैदिक साहित्य है, इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्या इसका कोई आरोग्य की दृष्टि से महत्व है क्या? मैंने इसको समझने की बहुत कोशिश की। देन व्हाट आई फाउंड दैट ऋतुचर्या हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, that influence of seasons on human body. So when you have to plan your life, your day routine, you have to plan according to particular seasons. ये तो obvious है, देखिए प्रकृति का प्रभाव body पर है। यदि बाहर बहुत गर्मी है तो body के अंदर dehydration होता है, blood vessels dilate हो जाती हैं और पसीना निकलता है। जब बहुत सर्दी होती है, but it's very cold, blood vessels get contracted, sweating नहीं होती है। इसका मतलब है कि body की जो physiology है उसके ऊपर सीजन्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सीजन का इन्फ्लुएंस है, उससे बीमारियां बन रही हैं, तो उसको बचाने के लिए वन ऑफ द फैक्टर टू कंट्रीब्यूट और ट्रिगर हेल्थ प्रॉब्लम और डिजीज इज सीजन। अब ये प्रश्न उठता है कि ये ऋतु, ये सीजन कैसे फॉर्म होता है। इसके लिए आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि इसका इसको पढ़ना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा दोनों का ये एक जंक्शन पॉइंट है जो आयुर्वेद में हमको साइलेंटली एज ए फीचर देखने को मिलता है। तस्या क्षितीय अध्याय जो चरक संहिता का है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि दो काल बोले गए हैं, आदान काल और विसर्ग काल। और ये कहा गया है कि जो सिक्स सीजन्स जो ऋतु बनती हैं ये छह होती हैं। अब इसका जो स्टडी करने में देखा गया तो भाई ठीक है, एक तो है वी ऑल नो इट्स वन इज समर, देन कम्स रेनी सीजन, उसके बाद में आता है रेनी के बाद में ऑटम शरद ऋतु। तो पहले हो गई ग्रीष्म, फिर है वर्षा, उसके बाद में है शरद ऋतु ऑटम, और ऑटम के बाद में आता है कोल्ड, और कोल्ड के बाद में कोल्ड मतलब हेमंत ऋतु ठंड, और उसके बाद में आता है वसंत जो अभी नहीं आया है। वसंत पंचमी आज का नाम है, पर इसका नाम वसंत पंचमी क्यों पड़ा है इस पर चर्चा करेंगे। अभी वसंत ऋतु आती है, वसंत के बाद में फिर गर्मी आती है। अब देखिए मजेदार बात समझिए, सर्दी के टाइम में बहुत कोल्ड जब होती है तो हमारे यहां कहा गया है कि पूरी बॉडी के अंदर वात वृद्धि हो जाती है, कफ का संचय होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कफ होता है, और वसंत में ये कफ प्रकोपित होता है, एग्रवेट होता है। और अब आप देखिए हाइएस्ट एलर्जीज किस समय पर होती है, ड्यूरिंग स्प्रिंग, वसंत ऋतु में होती है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऋतु का प्रभाव मतलब सीजन्स का इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी पर है। यह यदि आप भी जानना चाहते हैं कि सीजन कैसे बनते हैं, फॉर्म होते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉस्मिक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, ज्योतिष में की तरफ एक रुझान लेना पड़ेगा। आप कितना भी कहें कि नहीं नहीं आई डोंट बिलीव कि प्लैनेट्स का कोई इन्फ्लुएंस है ह्यूमन बॉडी पर, अरे जब प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस, सन का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस सीजन के फॉर्मेशन में है और सीजन का इन्फ्लुएंस ह्यूमन बॉडी पर है तो इन्फ्लुएंस तो हो गया ना, सीधी सी बात है। अब सन कैसे काम करता है, देखिए सन हर महीने एक एक महीने, ये मैंने 12 सेक्शंस बनाए हैं, सन एक एक महीने एक एक राशि में रहता है, मतलब आकाश में आप आकाश में स्टार्स को नहीं गिन सकते, तो उसके ग्रॉस 12 सेक्शन बना दिए हैं। नाउ इन दीज 12 सेक्शंस ये माना जाता है कि 30 डेज सन रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ वन सेक्शन, दिस इज बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये बनाए गए। अब देखिए जैसे ही सन सूर्य एक्वेरियस सेट ऑफ स्टार्स कुंभ के सामने पहुंचता है, मतलब करीब करीब 15 फरवरी के बाद
इसमें 15 फरवरी से 15 मार्च का जो टाइम है वो कुंभ मास है, मतलब उस समय पर सूर्य कुंभ राशि के तारों के नक्षत्रों के सामने रहता है। अब जैसे यहां पे आता है और जैसे जैसे ये 15 मार्च होली का टाइम है, होली इस बार पड़ रही है 8 मार्च को, आप जानते हैं देखिए वसंत काल में होली होती है, वसंत काल की जो पूर्णिमा है वो होली है। अब देखिए बहुत इजी है, संक्रांति, मकर संक्रांति आप सब जानते हैं, मकर संक्रांति 14th जनवरी, 14 जनवरी फिक्स डे है मकर संक्रांति का। उस दिन सूर्य मकर राशि में एंटर करता है, मतलब आकाश में कैप्रिकॉर्न सेट्स ऑफ स्टार्स के सामने सूर्य पहुंचता है और 30 दिन वहां पर रहता है और 15 फरवरी से ये सूर्य कुंभ में आ जाता है। जैसे ही सूर्य कुंभ में आता है वैसे ही वसंत का समय शुरू हो जाता है, मतलब यहां पर स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, स्प्रिंग शुरू हो जाती है, पल्लव फूलों में एक उत्साह दिखता है, यू नो एवरीवेयर देयर इज अ फ्लावरिंग सीजन बोलते हैं हम लोग, इसीलिए पोलन ज्यादा होते हैं, इसीलिए एलर्जी वगैरह होती है। तो ये जो वसंत, देखिए आकाश में सूर्य मकर से कुंभ में आया और जैसे जैसे ये डीप जाता चला जाएगा, मीन और कुंभ के बीच में पहुंचेगा सूर्य, मीन जब प्रारंभ होगा, जब मतलब सूर्य जब कुंभ से मीन में, आई मीन टू से 15th मार्च से, तो ये उस समय पर पूरी तरीके से वसंत ऋतु आ जाती है। और इस समय पर उधर अंतर हो रहा है आकाश में सूर्य का और इधर पृथ्वी पर सीजन चेंज हो रहा है, यहां पर स्प्रिंग आ गई, हर तरफ जो है वो फूल भौरे, प्रकृति में जो कवियों ने एक एक्सप्रेशन किया है वसंत का वो आप लोग जानते हैं, द स्प्रिंग सीजन इज कंसीडर्ड एज सो ब्यूटीफुल। अब जैसे ही ये सूर्य मेष में एंटर करेगा, मतलब अप्रैल 15, वहां से सूर्य के एंट्री करते ही ज्येष्ठ मास शुरू हो जाता है एंड दैट इज वेरी हॉट, हॉट सीजन स्टार्ट्स। अब देखिए शरंगधर एक बहुत अच्छे ऑथर हुए हैं आयुर्वेद के, शरंगधर सम्यता उनकी बहुत फेमस बुक है, जो आयुर्वेद के लोग नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ, द वन हु नोज आयुर्वेदा दे वेरी वेल नो अबाउट शरंगधर सम्यता। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है, वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, ग्रीष्मो मेष वृषो प्रोक्ता। देखिए एस्ट्रोलॉजी है आयुर्वेद में नहीं, ये बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ना, देखिए यहां पर है बताता हूं, ग्रीष्मो मेष वृषो प्रोक्ता, मतलब जो मेष राशि है और जो वृषभ राशि है ये ग्रीष्म है, मतलब जेठ और आषाढ़। इसके बाद में आता है प्रावृत मिथुन कर्कटौ। देखिए जो मैं उसमें आपको बता रहा था ना कि आप लोगों ने जो सीजन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो गर्मी के बाद में सीधा हम लोगों ने क्या बोला, वर्षा, बारिश नहीं। गर्मी और सर्दी के बीच में दो महीने ऐसे होते हैं, ये गर्मी भी पूरी गई नहीं और बारिश भी पूरी शुरू हुई नहीं, इसे बोलते हैं चिपचिपी गर्मी का समय, सुना होगा बहुत इन जनरल कॉमन भाषा में बोला जाता है चिपचिपी गर्मी का टाइम चल रहा है, वो कौन सा टाइम होता है, एंड दैट इज जून 15 टू जुलाई 15, जब मिथुन में सूर्य देव होते हैं और जुलाई 15 टू अगस्त 15 जब सूर्य कर्क में होते हैं, ये दो महीने कभी तो भयंकर बारिश कभी भयंकर ह्यूमिडिटी रहती है एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हेल्थ, इसमें भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब आ जाता है सिंह मास कन्या मास, मतलब सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करता है और जब कन्या राशि में रहता है, तो दैट इज द टाइम बिटवीन 15 अगस्त टू सितंबर 15 एंड 15 सितंबर टू अक्टूबर 15। एक्चुअली में ये अब आप यदि यहां पर देखेंगे दक्षिण भारत में आप देखेंगे, अब यदि आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में अगस्त 15 सितंबर 15 सितंबर 15 टू अक्टूबर 15 भी बारिश का समय है और अक्टूबर 15 को बारिश समाप्त हो जाती है। एक्चुअल में ये चार महीने या तो ह्यूमिडिटी के महीने हैं या बारिश के महीने हैं, बहुत नमी रहती है इसमें। और इधर इसके पहले जो दो महीने होते हैं वो पूरे ड्राई गर्मी के हैं,
ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि जब होती है, मतलब जून 15 टू जुलाई 15, ये गर्मी भी है और बारिश भी है, ये चिपचिपी गर्मी जिसको हम बोलते हैं, ड्राई गर्मी नहीं होती, ठीक है। अब आज के टॉपिक पर ही आते हैं, आज चूंकि वसंत पंचमी है इसके बारे में हम लोग जाएंगे, तो ये काफी बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन है। ग्रीष्मो मेष वृषो प्रोक्त है प्रावृत्त मिथुन कर्कटौ सिंह कन्य स्मृता वर्षा। सिंह मास और कन्या मास में जब सूर्य देव आते हैं, दैट इज द टाइम फॉर रेनी सीजन। तुला वृश्चिक यो शरद, तुला और वृश्चिक शरद ऋतु है। धनुर्ग्राहो च हेमंतो, ग्राह का मतलब होता है मकर। मकर क्रोकोडाइल का नाम है, मगरमच्छ का, उसको ग्राह भी बोला जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने सिनोनिम लिया है। धनु मतलब सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, इन दोनों को हेम, जब इनमें जब सूर्य आता है, दैट इज टाइम फॉर हेमंत ऋतु। व्हेन सन कम्स इन फ्रंट ऑफ सेट्स ऑफ स्टार्स ऑफ एक्वेरियस एंड पाइसेस, मींस कुंभ और मीन के सामने जब सूर्यदेव आते हैं, एंड दैट्स द टाइम ऑफ स्प्रिंग। अब आप समझिए अब क्या हो रहा है। वसंत पंचमी वसंत ऋतु का टाइम नहीं, वसंत ऋतु के आने के पहले का टाइम है। वसंत ऋतु हमारे लिए कफ का प्रकोपित काल है, डिफिकल्ट टाइम होता है। इस समय पर बॉडी में हर तरफ जकड़न, स्टिफनेस इसको बोलते हैं आप, और कफ के गौरवत्व खिल्लासन, बॉडी में एक अजीब तरह की एक फीलिंग होती है, जो इतना एक लिथार्जी जिसको बोलते हैं ना, वो रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे आयुर्वेद में लाइफस्टाइल बताया गया है, अलग अलग तरह के खाने बताए गए हैं। इवन पंचकर्मा में वसंत ऋतु में वमन कर्म, वॉमिटिंग करके पेट का गैस्ट्रिक लेवेज करने के लिए जो टाइम बोला गया है, दैट इज इट। और वसंत ऋतु आने के पहले और सर्दी जाने से पहले, ठीक है ना, ये जो समय है ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। अब ये जो 20 दिन हैं, अब ये मानिए कि अब सर्दी जो है वो आखिरी चरण पर है, जैसे ही वसंत ऋतु मतलब 15 फरवरी के बाद में हमारे भारतीय इकोलॉजी में एनवायरनमेंट में सर्दी खत्म हो जाती है। अब ये जो 20 दिन हैं, आज वसंत पंचमी से लेकर के आप काउंट करेंगे तो करीब 26 से 15 फरवरी का टाइम जो बीच में मिलता है ना आपको, ये टाइम बहुत सेंसिटिव टाइम है। ये एक्चुअली कभी कभी 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, कभी 20 दिन का, डिपेंड अपॉन वेरिएशंस ऑफ द लूनर एंड सोलर कैलेंडर। उस पर हम अपनी ज्योतिष पर नहीं जाते हैं, अभी हेल्थ पर आइए। वसंत पंचमी से लेकर के वसंत ऋतु प्रारंभ होने का जो समय है, ये है ऋतु संधि काल। आपको सबको पता है आयुर्वेद में मित्रों, ऋतु संधि काल ऋतु से ज्यादा खतरनाक होता है। हाईएस्ट इन्फेक्शंस जो बॉडी में फॉर्म होते हैं, जो बॉडी अट्रैक्ट करती है वायरसेस को, बैक्टीरियाज को, एंड दैट इज ऑलवेज ए टाइम ऑफ बिफोर एनी संधि काल। बट सर्दी का खत्म होना जब कफ जमा है, और वसंत का शुरू होना जब कफ प्रकोप हो रहा है, तो ये जो एक टाइम है, यानी ना तो सर्दी बची ना स्प्रिंग शुरू हुई, तो ये जो है ना, इसमें बॉडी अपने आप को नेचर के साथ में एक एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो कैसे बॉडी अपने आप को एडजस्ट करे, ये बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए इसको एक फेस्टिवल का फॉर्म दिया। इस दिन लोगों को ये प्लान, मैं समझता हूँ कि सरस्वती जी के लिए पूजा के लिए इसलिए कहा गया कि पढ़ाई करो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, मौज मस्ती ये जो विलास का जो है वो छोड़ दो, क्योंकि कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में, डिस्टर्बेंस है। तो इस समय पर थोड़ा अपने आप को विद्या की तरफ लगाएं। कहते हैं ना, विद्यार्थी ना कुतो सुखम, सुखार्थी ना कुतो विद्या, मतलब आप सुख को छोड़ दें। कफ के लिए हमारे यहाँ कहा गया है ना कि यदि कोई पेशेंट को यदि कफ की बीमारी हो तो उसको शत्रुवत चिकित्सा करी जाती है। शत्रुवत मतलब बहुत बॉडी को एक्सरसाइज कराना है, बॉडी के अंदर के सारे टॉक्सिन्स को निकालना है, वॉमिटिंग कराना होता है। और यदि पित्त बढ़ा हुआ हो तो कहते हैं जा माता इव, मतलब जो सन इन लॉ होता है, सन इन लॉ का तो अब तो क्या कंसेप्ट बदल गया, पहले सन इन लॉ का मतलब होता था बहुत सेवा पूजा जिसकी करी जाती थी ससुराल में, जब आते था जो जब जमाई तो वाह क्या बात मानी जाती है। बट ये मेंशन है हमारे योग रत्नाकर में, और वात को मित्रवत। तो ये कफज काल है, अब सुख का टाइम खत्म हो गया। यदि आपने ये 10 दिन वसंत पंचमी से जो 10 दिन आने वाले 10 दिन हैं,
आज से मित्रों जो आने वाले 10 डेज हैं उनमें यदि आप लोगों ने बॉडी को एक्सरसाइज करी दी, खो स्वेट आउट किया और खाने पीने में भी थोड़ा खट्टी चीजें खाई, जो हमारे यहाँ वसंत ऋतु की जो चर्या है उसको अभी थोड़ा शुरू करना है। मेन एम क्या है, मोटो ये है कि अपने शरीर के अंदर जो संचित कफ है और एग्रीवेटेड जो वात है उसको ठीक करें, नहीं तो आवरण पैथोलॉजी के फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। मतलब कफ जो है वो आपके पित्त और वात को ब्लॉक कर सकता है, लीवर के अंदर भी ब्लॉक्स हो सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कार्डियक ब्लॉक्स भी संभव हो सकते हैं, एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू सम वेरी बिग प्रॉब्लमैटिक पैथोलॉजी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मे बी नॉट नाउ बट फॉर्मेशन कैन हैपन एट दिस टाइम। सो हाउ पैथोलॉजी कैन फॉर्म बिकॉज ऑफ द सीजंस कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस। तो आज वसंत पंचमी का दिन है, सभी लोगों से आप ये अनुरोध करें, आप लोगों को भी कहना और आपके जितने भी आपके पेशेंट्स हैं उनको भी आप लोग मोटिवेट करें कि इस समय पर जितना हो सके उतना फिजिकल एक्सरसाइज कराएं, भोजन में थोड़ा सा स्पाइसी लें, फ्राइड ऑयली घी का खाना कम कर दें और ज़्यादा पढ़ाई करें, सुखार्थी बनने की बजाय इस समय पर विद्यार्थी बने। थैंक यू सो मच, विश यू हैप्पी वसंत पंचमी।